तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन कार्य पत्रक 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 जो कि आपको 31 अगस्त को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये 20 नंबर का आपका टेस्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस हफ्ते पर डे आपका 20 नंबर का एक टेस्ट आएगा, तो इस चैनल पर आपको आंसर मिलते रहेंगे। अगर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पैराग्राफ को पढ़ना, हम देखते हैं क्वेश्चन और साथ में उनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी दिल्ली? तो आंसर नंबर बी राइट हो गया, चौहान एवं तोमर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, दिल्ली शहर में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, जैन व्यापारियों ने, जैसा कि देख रहे हो लास्ट में लिख के आ रहा साइड में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, दिल्ली वाला कहे जाने वाले सिक्कों को कहाँ ढाला जाता था? तो आंसर नंबर थर्ड में हमारा राइट है, सी, दिल्ली में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, तोमरों को 12वीं शताब्दी में किसने परास्त किया? परास्त किया का मतलब क्या होता है, हराया, ठीक है ना, यानी पराजित किया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चौहान ने परास्त किया था। तो ये 1, 2, 4 आंसर हो गए ऑप्शन वाइज से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, करक तारीख या तवारीख से आप क्या समझते हैं? तो आंसर 5 नीचे है, यह अरबी भाषा में तिथि शब्द का बहुवचन रूप है जिसका अर्थ है तिथियां। आंसर नंबर 5 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। आंसर 6 है, नीचे देख सकते हो, पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और जीव मिलकर पारस्परिक अभिक्रिया करते हैं। तो किसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 6, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन 7 है, गैरसन शहरों के उदाहरण लिखिए। तो आंसर 7 नीचे लिखा हुआ है, सिंध और बंगाल, ये आंसर नंबर 7 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर यहाँ से आप नीचे से लिख लेना, नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 1, 2, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तवारीख का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो जाता है? तो आंसर 8 है नीचे, तवारीख में सल्तनत काल के सुल्तानों के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, जैसे कि उनकी शासन प्रणाली, मतलब शासन कैसे करते थे, फिर उनका रहन सहन, मतलब रहते कैसे थे, फिर अन्य राज्यों के साथ उनका संबंध इत्यादि, ये सब चीज़ें थी। ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या होगी, उपयोगी होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलने लगी, जानकारी। अगला क्वेश्चन 9 है, इतिहास के अध्ययन में सहायक कुछ प्रमुख स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो आंसर 9 नीचे, इतिहास के अध्ययन के लिए सिक्के, अभिलेख, मूर्तियाँ तथा तात्कालिक लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, आंसर 10, 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में दिल्ली में हुए परिवर्तनों पर एक निबंध लिखिए। तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान ने परास्त किया, मतलब हराया। तोमरों और चौहानों के राज्य में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशील जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दिल्ली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलित थे। फिर 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ठीक है, और बाद में दिल्ली राजधानी के रूप में बदल गई। ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली में जो परिवर्तन हुए उसका आंसर हो गया आंसर नंबर 10। और आंसर नंबर 10 के साथ आपकी असेसमेंट वर्कशीट 2 भी कंप्लीट हुई। तो इस हफ्ते पर डे आपकी एक असेसमेंट वर्कशीट आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसी प्रकार के आंसर मिलते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।